हेलो एवरीवन, चेयरफुल कुकिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनने वाली है। यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ अमृतसरी न्यूट्री। ये बहुत ही यम बनती है। आप चाहे इसको नान के साथ खाएं, कुलचे के साथ खाएं, चाहे आप ब्रेड के साथ खाएं, किसी के साथ भी खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी बनती है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे मैंने एक ले लिया है पैन, और इसमें मैंने डाल दिया है 1/4 के करीब ऑयल, और साथ ही में मैंने डाल दिए इसमें लंबे लंबे काट के प्याज डाल दिए। मैंने यहाँ पे एक छोटा प्याज लिया था, तो ये जो प्याज है ना, इसको मैं पूरी तरह से फ्राई कर दूंगी, जैसे हम बिरयानी के लिए करते हैं ना, बिल्कुल एकदम ब्राउन ब्राउन कर देते हैं, क्रिस्पी क्रिस्पी से ना, वैसे मैंने इनको फ्राई कर दिया है अच्छे से। और इसको मैं एक प्लेट में निकाल लूंगी, और इसका ना हमें पेस्ट बनाना है। इसको मैं ना बिल्कुल मिक्सी में ना एकदम बारीक पेस्ट कर दूंगी, तो ये थोड़ा सा पीस के अलग से रखना है। और यहाँ पे मैंने उसी पैन में सेम जो ऑयल था ना, साथ में मैंने इसके 1 चम्मच घी ले लिया है मैंने देसी घी, और साथ ही में मैंने छोटी स्टिक दालचीनी और एक बड़ी इलायची और थोड़ा सा जीरा, 1 चम्मच के करीब जीरा लिया है मैंने, और 2 इलायची छोटी डाली है, और 1 तेज पत्ता डाल दिया है मैंने। तो इसको अच्छे से सॉटे करना है। उसके बाद मैंने चॉप किए हुए प्याज थे जो मैंने छोटे छोटे कट किए हैं, ये प्याज ले लिए हैं। इसको मेरे को अच्छे से ना भुनना है, एकदम गोल्डन ब्राउन कर देना है इसको। यहाँ पे हमारे प्याज हो चुके हैं, और जो मैंने वो जो प्याज का जो मैंने क्रिस्पी क्रिस्पी फ्राई किया था ना, उसको मैंने पेस्ट बना दिया, और वो इसमें मैंने ऐड कर दिया है। तो इसको ऐड करने के बाद हम डालेंगे इसमें अदरक लहसुन, और जो हरी मिर्च का पेस्ट है वो हमने पीस के रखा हुआ था, तो वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है साथ ही में। और साथ ही में ना यहाँ पे मैंने ना 1/4 के करीब ना पालक ली थी। पालक मैंने बॉईल करके रखी हुई थी, उसका मैंने पेस्ट बना के रखा था। तो ध्यान रहे, ये पालक का जो पेस्ट है ना, ये इसमें जरूर ऐड करना है। चाहे आप थोड़ा सा ऐड करो, लेकिन ऐड जरूर करना है। एक तो इसके साथ जो न्यूट्री का कलर है वो भी अच्छा आएगा, और उसमें फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा, तो ये जरूर से ऐड करना है। और यहाँ पे मैंने ना टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दिया है, साथ ही में मैंने गरम मसाला डाल दिया है 1/4 के करीब। 1/4 के करीब मैंने इसमें काली मिर्च डाली है, 1 चम्मच के करीब मैंने इसमें धनिया पाउडर डाला है, और 1/4 के करीब मैंने इसमें डाली है हल्दी। तो हल्दी जो है ना, वो बहुत ही कम जाएगी इसमें, क्योंकि वो हल्दी वाला कलर हमें नहीं चाहिए, येलो वाला कलर नहीं चाहिए हमें। तो यहाँ पे मैंने 1 कप के करीब टमाटो प्यूरी ली है। टमाटर को मैंने पीस के रख लिया था मैंने, तो ये मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब इसको हम मसाले को ना बहुत अच्छे से भुनेंगे। तो जो न्यूट्री बनाते हैं ना हम, इसमें हमें मसाला ना बहुत अच्छी क्वांटिटी में चाहिए। और साथ ही में मैंने 1/2 चम्मच के करीब इसमें रेड कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाल दिया है। ये कलर के लिए डाला है मैंने, ये तीखा नहीं होता। अगर आपको तीखा चाहिए तो आप दूसरा रेड चिली पाउडर डाल सकते हैं। तो ये मैंने सिर्फ कलर के लिए डाला है। तो ये इसको हम अच्छे से भुनेंगे, और इसको ढक करके रख देंगे हम। तो इसको 5 से 10 मिनट तक जब इसको खोलेंगे ना, तो ये ऑयल छोड़ देगा, और ये बहुत अच्छे से ना मसाला बहुत अच्छे से भुन चुका है, अच्छा हो गया है, मसाला बन चुका है। तो ये जो जब तेल छोड़ देता है ना, तो उसके बाद जो मसाला है ना, हमारे मसाले का टेस्ट ही बहुत अच्छा आ जाता है। तो अब इसमें हमने थोड़ा सा धनिया ऐड करेंगे, साथ ही में हमने चॉप किया हुआ धनिया ऐड कर दिया है, और साथ ही में मैंने 1/2 चम्मच के करीब कसूरी मेथी डाल दी है इसमें। आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन कसूरी मेथी से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब मैंने जो न्यूट्री है ना, वो मैंने 1 कप के करीब न्यूट्री ली थी, वो मैंने बॉईल करके रखी हुई थी, तो वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है। हमें पहले न्यूट्री को बॉईल करना है, उसके बाद हमें इसे ठंडे पानी से धोना है न्यूट्री को। और मैंने इसको ड्रेन करके रख दिया था, इसका पानी निकाल दिया था, और अब इसको मैंने मसाले में ऐड कर दिया है। तो बस इसको मसाले में अच्छे से पकने देंगे 5 से 10 मिनट तक, और जब तक ये न्यूट्री में मसाला मिक्स होगा, तो साथ ही में 1 कप के करीब मैंने इसमें डाल दिया है गरम पानी। याद रहे, ठंडा पानी नहीं डालना है। जब भी हम कोई चीज़ बनाते हैं तो इसमें गरम पानी ही ऐड करते हैं। अगर हम गरम, तो हमारा कैसा होता है ना कि वो पकती रहती है, वो ठंडी नहीं पड़ती है। तो गरम पानी ऐड कर दिया है। अब मैं इसको ढक करके रख दूंगी 5 से 10 मिनट तक। 10 कम से कम 10 मिनट तक तो इसको लो फ्लेम पे हम पकने देंगे।
तो अच्छे से मसाला जब मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 10 मिनट के बाद ओपन किया था, तो बहुत ही अच्छे से मसाला मेरा न्यूट्री में मिक्स हो चुका है। अब क्या करेंगे ना, अलग से एक पैन लेंगे, तो उसमें हम बटर, और चाहे तो अदरक आपको चाहिए तो ठीक है, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हो। अदरक की मैंने कैसे ना लंबी लंबी काट के रख ली थी, और साथ ही में मैंने ना 1/4 के करीब यहाँ पे मैंने ली थी रेड चिली पाउडर। और वो जो न्यूट्री बनाई थी ना, वो न्यूट्री मैंने ना खाने के टाइम पे आपको ये करना है, गर्म करना है, तो ये न्यूट्री है ना वो मैंने इसमें बटर में ऐड कर दी थी। तो मैंने बटर भी 1/4 के कप करीब लिया था, तो मैंने छोटा सा ऐसे ना क्यूब लिया था। तो ये देखो न्यूट्री हमारी ना बहुत ही अच्छी सी मजेदार सी बन के रेडी हो चुकी है। मैंने ऊपर से चॉप करके धनिया डाल दिया था। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।